रजनीकांत की गिनती देश के सबसे बड़े सितारों में होती है, जहां अपनी अदाकारी से वह दक्षिण में ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। वहीं अभिनेता जल्द ही अपनी 170वीं फिल्म में नजर आने वाले हैं, और जहां इस फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, वहीं अब इस बीच इंटरनेट पर उनके हमशक्ल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही अब उस शख्स के नाम के साथ कई और भी जानकारी सामने आ गई है। दरअसल वीडियो में दिख रहा शख्स बिल्कुल रजनीकांत जैसा लग रहा है। जहां वायरल वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति केरल के सुधाकर प्रभु हैं, और उनका वीडियो सामने आने के बाद वह रातों रात इंटरनेट सनसनी बन चुके हैं। साथ ही सुपरस्टार रजनीकांत से उनकी समानता देखकर उनके फैंस भी काफी आश्चर्यचकित हैं। हालांकि उन्हें आम तौर पर मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय बेचते हुए देखा जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि सुधाकर प्रभु इंटरनेट पर तब चर्चा में आए जब एक मलयालम एक्टर नादिर शाह ने शूटिंग के दौरान उन्हें फोर्ट कोची में नोटिस किया, जिसके बाद एक्टर ने रजनीकांत जैसे दिखने वाले सुधाकर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और कैप्शन में उनकी तारीफ लिखी। तब से उन्हें लोकप्रियता मिली, जिसके बाद उन्हें अब तक केरल में विभिन्न समारोहों में भी आमंत्रित किया जा चुका है। गौरतलब हो कि नेल्सन द्वारा निर्देशित रजनीकांत की जेलर हाल ही में रिलीज हुई थी, और जहां इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया है। वहीं अब जेलर के बाद रजनीकांत टीएस ज्ञानवेल द्वारा निर्देशित फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं इसमें उनके साथ तुषारा विजन, रितिका सिंह, राणा दग्गुबाती, फहाद फाजिल, अमिताभ बच्चन और मंजू वारियर भी हैं। हालांकि फिलहाल फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है। वहीं इसके अलावा उनके दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अभिनेता लोकेश कनगराज के भी निर्देशन में बनने जा रही फिल्म में भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जिसके बाद अब फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह पहला मौका है जब दोनों दिग्गज एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। हालांकि रजनीकांत के इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।